खान साहब, पहली बार बीएसपी खाता नहीं खुल रहा है इस सर्वे के मुताबिक। जो आप पिछली बार गठबंधन में ये कह रहे कि ज्यादा फायदा आप ले, आपका वोट कंसोलिडेट ज्यादा हो गया, आपको 10 सीटें आ गई थी, इस बार खाता नहीं खुल रहा है बीएसपी का इस सर्वे के मुताबिक। नहीं, सर्वे तो गलत मानते हैं ना, सर्वे को मानते ही नहीं हमें। सर्वे क्या होता? अब हमको आप बता दीजिए जरा सा कि पिछली बार, अब बताइएगा, देखिए हंसने की बात नहीं है, पिछली बार 62 सीट पाए थे, पिछली बार 62 सीट पाए थे भाजपा, बिहार में कितनी सीट पाए थे? 40 में 49, 39 अलायंस में थे ना, बीजेपी की खुद से आई थी 17 और अलायंस में 40 में 39। आरजेडी का सफाया हो गया था, आप सोचिए कितनी बड़ी पार्टी है। मैं कह रहा हूँ 40 में 39, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। 39 आई थी गठबंधन में, अच्छा, जेडीयू के साथ। अब उसमें गुजरात में कितनी आई थी? गुजरात में भी ऐसी सारी की सारी सीटें आई। कर्नाटक में कितनी आई थी? कर्नाटक में भी क्या, तो कहाँ पहुँच रहे? मैं चाह रहा हूँ कि कहाँ से 70 सीट मिलेगी भाई, मैडम 70 सीट कहाँ से आएगी? जब सब जगह तुम जीत रहे हो तो फिर आप कहाँ से 70 सीट आ जाएगी? अंजना जी, अरे मजाक है ये, अभिषेक मजाक है ये सब, मजाक है ये, 70 सीट कहाँ से आएगी? मजाक नहीं, उनका विरोध विरोध आपका रजिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, आप रुक जाइए राकेश जी। अभिषेक, ये जो नंबर्स है, जाहिर तौर पर सुरेंद्र जी को भी आपत्ति लगेगा क्योंकि उनको लग रहा है राहुल गांधी अभी सेकंड फेज कर रहे हैं अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, यूपी से भी वो गुजरेंगे, वहीं पर क्या सिमट कर रह जाएंगे, वहां पर भी मार्जिनल गेन 2 सीटों का होता हुआ एसपी प्लस को, वो भी आरएलडी के आने से क्या होता है, इनका खाता ना खुलना, तो ये अविश्वास जो इनके चेहरों पर दिख रहा है वो आपकी राजनीतिक समझ उस पर क्या कह रही है? देखिए अंजना, अगर हम लोग शुद्ध रूप से आंकड़ों की बात करें तो चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी को 14 में भी 5 सीटें मिली थी, 19 में भी 5 सीटें मिली, और इस बार भी आप लगभग वही स्थिति देख रही हैं। अगर 2-4, 1-2% वोट बढ़ रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी को 2014 में जितनी सीटें मिली थी लगभग वही सीटें आ रही हैं। और जो बसपा और सपा का गठबंधन था उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता था विपक्ष में, और अगर इस बार वो गठबंधन नहीं है तब फिर जो दावे कर रहे हैं उस दावे पे शक होना होता है पॉलिटिकल पार्टियों के। अगर मैं अनुराग भदौरिया जी हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, अभी कहने वाला हूँ, आप कहिए, लेकिन सुनिए तो आपके आंकड़े बता रहा हूँ। एक बार पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तो हमने शुरुआत की है, आज देश का मिजाज सर्वे में हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ठीक अब से लगभग 10-15 मिनट बाद हम आपको 2-3 मिनट बाद, माफ कीजिएगा, बताएंगे कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है, और ऐसे ही क्रमवार तरीके से 12 बजे हम लिए चलेंगे आपको पंजाब भी, उसके बाद देश के हर राज्य में हम पहुंचेंगे जहां पर हमारे सहयोगी ऐसी वहां के लोगों के मौजूद हैं, हम बताएंगे आपको देश का मिजाज सर्वे क्या कह रहा है, और फिर शाम 6 से 9 बजे के में अब देखेंगे पूरे देश के नंबर्स को जोड़कर कि अगर आज हो चुनाव तो क्या बीजेपी 370 पार हो पाएगी, क्या एनडीए 400 होगा, या फिर इंडिया गठबंधन करेगी कमाल, टीएमसी कहाँ, कांग्रेस कहाँ, एसपी कहाँ, बीएसपी कहाँ, आप दूसरी बार बोल रहे हैं लेकिन बोलिए। देखिए की बात को आप बढ़ा, 2017 में समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट था, और जब 2022 में समाजवादी 36% वोट लेके आई है, आज आप 30% दिखा रही है, इसके मतलब हमारा 70% वोट है भाई, जो मीडिया दिखाते डबल ट्रिपल समझ लीजिए, क्योंकि मीडिया तो हमें कम करके दिखाएगा ही, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है, सुनिए, कोई मजबूरी नहीं है, अभी क्या क्या बैठ गए हैं यहाँ पे, इन्हीं का इलाका यहीं से चुनाव लड़ते हैं, दो बार हारे जमानत जब्त हो गई है। सुरेंद्र जी देखिए अंजना जी, एक सेकंड सुरेंद्र जी, बात पूरी बात मैं कह रही हूँ, बारी बारी तो अब सवाल ये है, एक मिनट, अरे फिर उधर चिल्लाएंगे, फिर कहोगे चिल्ला रहे हैं, अब बात पूरी हो जाए, बात पूरी अंजना जी, ठीक है, बोलें गलत बात अंजना जी, अनुराग जी अरे बोलने दीजिए भाई, ये सुरेंद्र राजपूत जी और राज भदौरिया बोलकर भाजपा के वोट बढ़ाते हैं, बोलने दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप बोल के बीजेपी के वोट बढ़ा देते हैं। देखिए सवाल ये है कि जो सर्वे आप दिखा रहे हैं,
आजकल नया ट्रेंड चला है। आपको पता है इंडिया टुडे मैगजीन ये सर्वे कब से करता है? हर टीवी चैनल आपको पता है इंडिया टुडे सर्वे कब से करता है? कब सर्वे होगा बताइए, इतना सर्वे कब हुआ इंडिया टुडे? अरे सर्वे हमेशा सर्वे होता है भाई, एनुअली भाई, एनुअली अभी अभी राजनीति में आए हैं अनुराग भदौरिया है, इससे पहले खेलते थे ये गली मोहल्ला, इनको जानकारी नहीं है। आप राजनीति में देखिए दशकों से सर्वे होते रहे हैं, ये साइकोलॉजिस्ट यही काम करते हैं भाई, बार भारतीय जनता मुझे दर्शकों को लेकर हम लोग पार्टी का प्रवक्ता गलत इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, हर पार्टी हर एक सेकंड इंडिया टुडे मैगजीन साल में दो बार ये सर्वे करता है और फिर उसके नतीजे आते हैं। किसी का माइक बंद नहीं है, सबका आवाज जा रहा है, अरे वो कह रहे माइक बंद है। मुझे अंजना जी सिर्फ आपके आपके शो सोचिए, शो में माइक भी बंद दिया जाता है तो बताइए कैसे बात होगी। शो के माध्यम से कहते हैं ना ये बंद हो रहा है, फहमीदा राज ने एक जगह पे माइक हो रहा है, बताइए बोल लेने दीजिए एक मिनट भाई, प्लीज प्लीज जरा बोलती है भाई, सुनने तो हो रहा है, बोले बोलिए बोलिए। वो एक लिखी थी अंजना जी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है इस राह में, रंजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, ये राह में कुछ और अक्सर होता है, राह में तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मिजाज सबसे अच्छा है।